महागठबंधन क्या कहते हैं, उनको लगता है कि से सारा समाज का ठेका मैं ही ले लिया। तो महागठबंधन के लोग समाज का नहीं परिवार का ठेका लिए हुए हैं। मान लीजिए आज चुनाव है, इससे पिछले वर्ष हम लोग कार्यक्रम किए थे तो उस समय तो कोई चुनाव नहीं, अभी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, बनारस में हुआ है, पूरी में हुआ है, इसी तरह से रविदास जी का जो मंदिर बनाया गया है वहाँ भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती है, वैसे में तमाम पार्टियों के द्वारा बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, वैसे में भाजपा के द्वारा भी बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो कि एसके मेमोरियल पटना में किया गया है। विजेंद्र जी हमारे साथ हैं जो कि समस्तीपुर रोसड़ा से विधायक है, क्या कहिएगा आज रविदास जी की जयंती है, वैसे में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यह तो प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती समारोह कार्यक्रम मनाया जाता है और प्रत्येक जिला में जो है गाँव में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ भी जो है इस बार पूरे प्रदेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इतने बड़े स्तर पे आप लोग पहले मतलब ग्रामीण स्तर पे करते थे, मंडल स्तर पे करते थे, बड़ा लेवल जो है वो चुनाव को देखकर किया जा रहा है क्या? चुनाव ना, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आज चुनाव है, इससे पिछले वर्ष हम लोग कार्यक्रम किए थे तो उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। वह जो सामाजिक कुरीति को समाप्त किए और वंचित तबका के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनका जो अथक प्रयास रहा, उस कुरूति को समाप्त कर और समाज की मुख्य धारा में आने के लिए उनकी जयंती समारोह जो है प्रत्येक वर्ष किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं का जो है आज शिलान्यास करेंगे। बनारस में जो संत रविदास जी की वहाँ मंदिर है उसका भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहाँ पर सिगरा स्टेडियम का जो है उद्धार किया जा रहा है, क्या कहिएगा? मंदिर का आयोजन अति शिलान्यास तो पहले ही किया गया। हाँ, कॉरिडोर तो हमारे जो पाथेय देने वाले लोग हैं उनकी याद में उनका मंदिर है और मंदिर को बृहत रूप दिया जा रहा है, जो एक संकल्पित और विकसित भारत में महापुरुषों की मंदिर से जो हम जाते हैं उनका नमन करते हैं और उनके जीवन से जो सीख लेते हैं और सीख लेने के बाद उनके आदर्श को समाज में स्थापित करने का जो काम करते हैं, तो वहाँ पर आसानी से लोग जा सके और मंदिर का भव्य रूप दिखाई पड़े, तो इसके लिए वहाँ पर भी जो कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है। और ऐसा कई मंदिर जो अपने देश में है जहाँ पर जो है आबादी बढ़ने के बाद जो है रास्ता संकीर्ण हो गया था, लोग को आने जाने में वहाँ दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ जाने के लिए जो है जैसे अयोध्या में कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, बनारस में हुआ है, पूरी में हुआ है, इसी तरह से रविदास जी का जो मंदिर बनाया गया है वहाँ भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। महागठबंधन कहती है कि आप लोग छलते हैं, वोट लेना चाहते हैं पिछड़ा समाज का और उसके बाद जयंती मनाते हैं, लेकिन अंदर से मानने वाले आप लोग नहीं। महागठबंधन क्या कहते हैं, उनको लगता है कि से सारा समाज का ठेका मैं ही ले लिया। तो महागठबंधन के लोग समाज का नहीं परिवार का ठेका लिए हुए हैं, परिवार तो, का ठेका लिया। हाँ, इसीलिए उनको दर्द हो रहा है। तेजस्वी यादव तो जन विश्वास यात्रा पे निकले हुए हैं, परिवार की विश्वास को जीतने के लिए उतरे हैं, परिवार की विश्वास को जीतने के लिए। तो चलिए बड़ी बात है, परिवार की विश्वास को जीतने के लिए निकले हुए हैं और कई योजनाओं का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में यानी कि वाराणसी में शिलान्यासों का जो शिलान्यास है वो भी करने वाले हैं। वीरेंद्र जी थे जो रोसड़ा से विधायक है। फिलहाल आपका क्या कुछ करेगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। आप देख रहे थे सस्टॉक, मैं आपका ज़्यादा आशुतोष।